युवा वाहिनी ने स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें विधान परिषद सदस्य मौजूद रहे। रामनवमी के शुभ अवसर पर भाजपा का चुनावी केंद्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। रामनवमी के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा स्थापना दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील की। विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पश्चिम की जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ है, वे 8 सीटें हम जीत रहे हैं। और जैसा कि पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 73+ सीट की बात कही थी, प्रदेश में उनमें से एक भी सीट कम नहीं होगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भगवान राम की वजह से बहुत सारे लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। पहले यही लोग कहते थे कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आज बहुत शुभ दिन है, जितने शुभ काम हैं आज किए जा रहे हैं, उसी एक अवसर के तहत हमारा केंद्रीय कार्यालय खुला है। और आप सभी देख रहे हैं, पश्चिम की 8 सीटों पे चुनाव हुआ है, 8 में 8। और जैसा महाराज जी कहते हैं कि 73 से 74 होगी, 73 नहीं होगी, तो उसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और 19 तारीख को आपको महसूस हो जाएगा। क्या लगता है गाजीपुर में इस बार के चुनाव में भगवान राम जो है दुष्टों का संहार करेंगे या इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए, आज आप देख रहे होंगे बहुत लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, तो ये भगवान राम की कृपा है और उनसे उनके आराध्य मानने वालों का जो मजबूती के साथ उन्होंने संघर्ष किया, उसी की याद देन है कि जो लोग कहते थे कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, आज वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। वहीं भाजपा नेत्री साधना राय ने बताया कि जैसे रावण का राम ने श्रृंगार कर असत्य पर सत्य की जीत का परचम लहराया था, उसी तरह भाजपा भी लोकसभा चुनाव की जीत दर्ज करेगा। वहीं पीएम मोदी की जमकर तारीफ की गई। हम लोग पूरे रूप से लगे हुए हैं, हम असत्य पे सत्य की विजय करेंगे। मोदी जी को का हाथ हम लोग मजबूत करेंगे, मनोज जी हम लोग के साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हमारे साथ जनता है। विपक्षी के रूप में हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। नहीं, विजय प्राप्त आप लोग करेंगे? हाँ जी हाँ। किस तरह से करेंगे आप लोग, जैसे राम ने जो है रावण का संहार करके किया था? राम ने रावण का संहार किया था, हम दुष्टों का, हम विपक्षियों को आगे आने नहीं देंगे। हम पूर्ण रूप में उनके मनोज जी के साथ हैं। मनोज जी विकास पुरुष के रूप में हमारे गाजीपुर में जितना उन्होंने विकास किया आज तक किसी ने नहीं किया है, जो कि सब लोग देख रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है, साथ ही मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। गाजीपुर से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।